गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असल में ये है, चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, बिजली कोई नहीं थी, तो वो 6% से अब ऊपर आया ना, तो इसलिए ज्वाइन किया है। अंडरस्टैंड? तो एनी यस हाउ, आवाज़ आ रही है? आप में से कोई दो बच्चे जो है ना, अनम्यूट रखेंगे। वो कौन से मॉनिटर बनाए थे? कम ऑन। हाँ, सर, अहमद बिलाल सईद सर, अहमद बिलाल। अब्दुल सर हाँ, वो नहीं आए। और और सलमान। शेख अरहम ने हैंड रेज किया है। ठीक है, शेख अरहम आप होंगे और अली भट्ट आप होंगे। और लाइट, दैट्स दैट्स गुड। ठीक है, और अभी क्लास शुरू करेंगे। बुक्स आपकी मैथ्स की सामने रखेंगे, एक्सरसाइज 4.4। और आपने मुझे ये भी बताना है कि बोर्ड नजर आ रहा है पूरा कि नहीं, अभी दिखाना, बताना। बोर्ड आ रहा है यस नजर? सर, ठीक है, ऑल यस राइट। सर, आ रहा बस तो अभी हम शुरू करते हैं क्लास, सर, आ रहा इससे पहले के फिर सिग्नल ड्रॉप हो जाए, शुरू करेंगे अभी। ओके, तो यस सर। और आप में से आप ही अली भट्ट, ये जब क्लास मिड में पहुंच जाए ना, तो आपने स्क्रीनशॉट ले सर, लेना है इसका, अटेंडेंस का, ठीक है? और वो ओके ग्रुप में सेंड करना है। ग्रुप कौन सा? जो हमारा मैथ का ग्रुप है, 9th का मैथ का ग्रुप। जी, सर आपने मुझे मैथ के ग्रुप में ऐड नहीं किया अभी। अच्छा, मैंने वो मैसेज सेंड किया था कि ऐड करने का होता है ना, एक आइकन सा होता है। चलो, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे प्राइवेटली वैसे मैसेज कीजिएगा ना कि जी वो आपने यस कहा सर, था कि अटेंडेंस सेंड करनी है, तो उसके लिए मुझे ऐड करें उसमें, तो फिर मैं आपको वो सेंड कर दूंगा लिंक। ओके, अच्छा, ओके सर, अभी देखें एक्सरसाइज 4.4। इसमें वही है, रैशनलाइज करना है हमने। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले देखें, हमारे पास इधर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। जी, यस ऑफ कोर्स। डिनोमिनेटर को जो न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर बना के उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हाँ, बोलें जरा, आप में से कोई एक बोल दें। 3/4। थ्री डिवाइडेड बाय फोर हाँ, 3/4 अंडर अंडर रूट रूट थ्री। 3। हाँ, ये ठीक है जी। अब इसमें देखें, जो अंडर रूट वाली टर्म कोई भी जो डिनोमिनेटर में होगी, नीचे होगी, ठीक है, उसको हम क्या यस सर, करेंगे? उसी से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है, इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 3। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये क्या हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/√3/4 √3 स्क्वेयर। ये अंडर रूट 3 का क्या स्क्वेयर बन गया। ठीक है, स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट से कैंसिल कर सकते हैं, अकेला है तो ये कैंसिल हो गया। जब कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 3/√3/4 × 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद क्या, √3/4। दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने में माहिर है ना सब, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एंड अदरवाइज मैं ये करता हूँ कि ग्रुप में आपको एक्सरसाइज जो सॉल्व होती है वो सेंड कर देता होता हूँ बाद में। ठीक है, तो आप ओके सर, तीनों काम कर सकते हैं। बेशक आप वहाँ यहाँ कॉपी पे नोट करते जाएं साथ साथ। नंबर 2, आप स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 3 आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व एक्सरसाइज जैसे पहले 4.3 सेंड की है ना, उसी तरह ये भी सेंड कर दूंगा।
अच्छा अब ये क्लियर हो गया, उसके बाद आते हैं पार्ट टू जो है। सर, हाँ जी बोले। सर आप 4.3 जरा रीसेंट कर दीजिएगा। हाँ वो मैं रीसेंट कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होता है उन्हें नजर नहीं आ रहा होता। वैसे मैं रीसेंट की है 2-3 दफा, लेकिन अब फिर रीसेंट कर दूंगा। गुड, अच्छा ओके किया सर, याद थैंक करवा यू सर। दिया आपने। अच्छा अभी ऐसा है, पार्ट टू इसका बिल्कुल इसी पार्ट वन की तरह है। ठीक है, क्या है, अंडर रूट 98 है, अंडर रूट 98 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इसका पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 वो भी है तो इजी, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हमें पार्ट नंबर 4 करना चाहिए, लेकिन पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 अभी मुझे लिखवाएंगे आप। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3 क्या लिखेंगे, 6/ सर 6 ओवर अंडर रूट 8, हाँ अंडर जी रूट 27। अंडर रूट 27। ठीक है जी, अब देखें यस इसमें भी क्या उसी तरह से 6/√8 √27, और इसको √8 √27 से मल्टीप्लाई एंड सर, डिवाइड। तो ये ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब क्या है, ऊपर आ जाएगा जनाब आपके पास 6 × √8 √27 बाय क्या आ जाएगा, √8 स्क्वायर √27 स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई होके क्या हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 √8 √27 बाय ये अकेला 8 आ गया और ये अकेला 27। क्या वजह हुई, क्योंकि स्क्वेयर रूट से ये स्क्वेयर कैंसिल। ठीक है जी, अब देखें, अब ये ऊपर 8 और 27 है, इसके हम फैक्टर बना लेंगे, प्राइम फैक्टर बना लेंगे, ताकि जो कैंसिलेशन होती है या कुछ नंबर जो रेडिकल साइन से बाहर आ सकते सर हैं। हाँ जी बोलें। सर हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करते हैं? हाँ उसकी वजह ये है कि नीचे रैशनलाइज करने के लिए ना, रैशनलाइज करने के लिए ये मेथड है कि जहां भी आपको अंडर रूट में नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में टर्म नजर आएगी अंडर रूट वाली, आपने उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है और उसको आगे फिर ताकि उसका स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर बन के उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। किस लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि देखें उसका स्क्वायर बन जाएगा तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके वो नंबर जो है रेडिकल से फ्री हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें, अब इसमें 8 और 27 इन दोनों को प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो ये देखें इज इक्वल टू 6 √ क्या है, 2² × 2 लिख सकते हैं। पीछे जो एक्सरसाइजेज हमने की उसमें यही प्रैक्टिस हमने की थी कि जल्दी से नंबरों को अगर स्क्वेयर रूट है तो स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकें, अगर थर्ड रूट है तो क्यूब की फॉर्म में लिख सकें, और अगर फिफ्थ रूट है तो 5 पावर में लिख सकें। अब ये देखें √27 को क्या करेंगे, 3² × 3 होल बाय 8 × 27। अब ये देखें 2² × 2 तो क्या हो गया, 4 × 2 = 8 होता है, 3² = 9, 9³ × 27। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 6। हाँ जी ये 2² है क्योंकि, तो ये रेडिकल साइन से कट बाहर आ गया जाएगा और √2 अपनी जगह। ठीक सर, है हर देखें, क्लास के सिग्नल बाद बाद हो रहे और उसी तरह देखें 3² जो है वो अंडर रूट की वजह से क्या होगा, उसी तरह आप अंडर रूट स्क्वेयर के साथ कट गया आप उसी तरह कह सकते हैं, और √3 वो क्योंकि सिंगल है तो वो बाहर नहीं आ सकता, सर। होल ओवर 8 × 27। अब जहां जहां जो कैंसिलेशन होती है, मसलन ये देखें 3 9s = 27, फिर इधर 2 4s = 8, और इधर 3 3s = 9, 3 2s = 6, 2 1s and 2 2s = 4। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, इज इक्वल टू √3 2 × 6, जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, होल ओवर ये नीचे क्या आ गया 6। ये बात क्लियर होगी,
ये आपका क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थ्री था, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर, देखें पार्ट नंबर फोर करते हैं। ऑल राइट, स्क्रीन शॉट लेना है तो साथ ही जो ही खत्म किया करूँ ना, स्क्रीन शॉट ले लिया करें, और वैसे भी मैं आपको सेंड तो कर ही दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हाँ जी पार्ट फोर जरा लिखवाएंगे। पार्ट फोर क्या है? जस्ट वन ओवर थ्री प्लस टू। हाँ, वन ओवर थ्री प्लस थ्री प्लस टू तो नहीं हो सकता, वन ओवर टू है, थ्री प्लस टू, फिर सर अंडर रूट फाइव। तो ये होगा वन ओवर थ्री प्लस टू अंडर रूट फाइव, ठीक है। सिर्फ टू बोलेंगे तो वो कंफ्यूजन होती है कि यार इसने अकेला नंबर क्यों दे दिया, तो वन ओवर थ्री प्लस टू अंडर रूट फाइव। अब देखें यहाँ वही स्क्वायर रूट वाली टर्म नीचे है, तो हम क्या करेंगे? हाँ अहमद बिलाल, अच्छा इसके कॉन्जुगेट से अभी तो क्वेश्चन लिखा है, अभी तो समझाया है ही नहीं। अहमद बिलाल क्या बात है आप सर, पिछले वाला। हाँ सॉरी, हाँ साथ साथ चल रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, आपको पता है टाइम उन्होंने बड़ा शॉर्ट दिया होता है जूम वालों ने, ठीक है। और वो तो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो तो क्वेश्चन ही नहीं होते, ये अभी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसके बाद शुरू हो रहे हैं ये इस एक्सरसाइज के लिहाज से, ठीक है ना। अब ये देखें नीचे स्क्वेयर रूट है, तो स्क्वेयर रूट वाली टर्म को क्या करेंगे? अब यहाँ ये प्लस हो रहा है साथ, देख ले। अब ये नहीं होगा कि अकेला टू अंडर रूट फाइव बाय टू अंडर रूट फाइव, ऐसे नहीं कर सकते। इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट इसका क्या है, साइन चेंज कर दें, थ्री माइनस टू अंडर रूट फाइव बाय थ्री माइनस टू अंडर रूट फाइव, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करेंगे इस पूरे सेंटेंस से। देखें वार्निंग आ गई है, बैटरी लेस है, लेस देन फाइव, ठीक है, तो सिग्नल ड्रॉप हो सकता है, तो इसलिए अगर सिग्नल ड्रॉप हो जाता है तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स वेट करने के बाद फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके अंडरस्टैंड। अब इसमें देखें इज इक्वल टू ये होल टर्म होल बाय ये पूरा सेंटेंस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे ये दोनों, ये फॉर्मूला है, एक क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो देखें थ्री स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट फाइव होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ फार्मूले की एप्लीकेशन की, एंड देन वी गॉट थ्री माइनस टू अंडर रूट फाइव होल बाय नाइन माइनस टू स्क्वायर, कितना हो गया फोर, और अंडर रूट फाइव अंडर रूट स्क्वायर से कैंसल्ड, तो फाइव आ गया, और फाइव फोर आर क्या लिखेंगे 20. फिर देख लें इसे सॉल्व, जुबानी जुबानी आपने कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है कि इसका अलग से स्टेप बनाना शुरू कर दें। टू स्क्वायर क्या है, टू स्क्वायर फोर है, और रेडिकल साइन खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, और आपके पास आ गया फाइव, और फोर को मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी। अब नाइन माइनस ट्वेंटी क्या आएगा आपके पास, थ्री माइनस टू अंडर रूट फाइव होल बाय 11, 20 में से हाँ 9 लेस करें 11, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का हम साथ, ठीक है ना, लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखें ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट आएंगे आगे। नेक्स्ट बताएं जरा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका? हाँ जी पार्ट नंबर फाइव की तरफ आएंगे। पार्ट नंबर फाइव भी इसी तरह इजी है, सिक्स देखें, सिक्स मुझे बताएंगे पार्ट नंबर सिक्स। टू, हाँ टू बाय पार्ट नंबर सिक्स भी नहीं, पार्ट नंबर सेवन, पार्ट नंबर सेवन बताएंगे। अंडर रूट थ्री माइनस वन, हाँ अंडर रूट थ्री माइनस वन होल बाय अंडर रूट थ्री प्लस वन प्लस वन, ठीक है ना। इसमें होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी
यूज करेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। इसलिए ये इसके साथ इम्पोर्टेंट लिख लें, ठीक है, इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट है। तो वही अंडर रूट थ्री माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस वन था ना, तो जिससे साइन एक दफा चेंज करेंगे, ओके, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब ऊपर देखें होल स्क्वायर बन गया, अब अंडर रूट थ्री माइनस वन होल स्क्वायर बाय अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। देखें ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बताएं ये जरा क्या बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोले फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। क्या बात है बेटे, ठीक है। अच्छा ख्याल रखें फार्मूले का सही, जब तक खूब प्रैक्टिस ना करें ना, जुबानी फार्मूले लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें, अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस पे पेपर में नंबर उड़ते जाएंगे। अच्छा नीचे क्या आ जाएगा ये देखें, थ्री माइनस वन, यहां तक क्लियर हो गया, इज इक्वल टू। अब देखें अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर है तो क्या रह जाएगा, थ्री माइनस टू अंडर रूट थ्री और एंड पे क्या, प्लस वन स्क्वायर का वन ही कर देंगे एंड होल ओवर टू। अब ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, क्या बन गया, फोर माइनस टू अंडर रूट थ्री होल बाय टू। तो ये ख्याल रखें, ये ना हो जल्दी में, बास बच्चे क्या करते हैं, टू वन जार टू 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 जार फोर करके कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, पहले कॉमन लेना है, ठीक है। ऊपर वाली तमाम टर्म्स जितनी भी हैं टू कॉमन लेंगे तो टू माइनस अंडर रूट थ्री होल बाय टू, अब ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया इज इक्वल टू टू माइनस अंडर रूट थ्री। इसके साथ इम्पोर्टेंट लिख लें क्योंकि या तो कुछ बच्चों के लिए जल्दी में वो इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस कर देंगे और या फार्मूला याद किया हुआ है तो उस माइनस को देखे बगैर प्लस कर जाएंगे, एक ये गलती कर सकते हैं आप, और या फिर ये कि टू को इस फोर को डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ऐसे नहीं करना है, आपने पहले कॉमन लेना है, फिर कॉमन लेके तो नीचे कैंसिलेशन, ठीक। अच्छा सेवन के डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, किस तरह डायरेक्ट अगर करेंगे ना, अगर मैं डायरेक्ट आपको कह देता हूँ कर तो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे पता क्या करेंगे, टू वन आर टू 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 आर फोर और इसको भूल जाएंगे, क्यों, ये कैंसिल हो चुका है ना, तो ये असल में इसे भी फिर कैंसिल करना होता है, मेरी बात समझ गए, तो इसलिए ये वाला मेथड दूसरे तरीके से फिर समझ जा रही है। हाँ ये इसमें गलती के ज्यादा चांसेस है, मतलब है टीचर को पता है कि यार अगर ये तरीका मैं बताऊंगा तो आगे चल के स्टूडेंट्स ज्यादा गलतियां करेंगे इसमें, इसलिए ये वाला मेथड नहीं करना है आपने, इस तरह से एट द स्पॉट कैंसिलेशन नहीं करनी, आपने पहले कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद कैंसिलेशन करनी है, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, अच्छा जी ये इम्पोर्टेंट लिख लिया आपने, इसके बाद इसका पार्ट कौन सा है, हाँ जी पार्ट नंबर एट, ये उससे भी इम्पोर्टेंट है जरा, उसकी वजह ये होती है कि बाज़ुकात बीच में थोड़ा कंफ्यूजन बन, अंडर रूट फाइव, हाँ अंडर रूट फाइव जी, माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस अंडर रूट थ्री होल ओवर अंडर रूट फाइव, अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री, ठीक है। अब ये देखें इसमें बोलने का तरीका मस्ट है कि आपका सही हो, मसलन अगर मैं यूं कहता अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री ओवर अंडर रूट फाइव, ठीक है, तो प्लस तो उसका उसका मतलब ये था, मैं यूं लिखता अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री ओवर अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री, तो गलत हो जाता, आपने अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री होल ओवर, तो इसका मतलब है फिर मैं होल की लाइन लगाऊंगा, अदरवाइज मैं हाँ जितना बोलोगे उतनी लाइन लगा के तो आगे चल पड़ूंगा, ठीक है। तो ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, ऊपर वाला प्लस, अच्छा ठीक है, यस सर, ऊपर वाला प्लस कर दें नीचे माइनस कर दें, ओके जी। तो अब देखें अब फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब जनाब वही इसको लिखेंगे अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री बाय अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री एंड होल इनटू क्या कर देंगे अंडर रूट फाइव
प्लस अंडर रूट थ्री बाय अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री। तो अब देखें आपके पास ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो होल स्क्वायर आ गया अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर ओवर, नीचे ये माइनस और प्लस, ठीक है ना, सेम टर्म्स हैविंग डिफरेंट साइंस। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट फाइव होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर अब ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वार्निंग दे रहे वो मुझे के चार्जिंग नहीं है, असल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से 5% से नीचे चली जाए ना जब चार्जिंग, तो वो मोबाइल आउट हो जाता है। और मैं मोबाइल से ही इसका हॉटस्पॉट लेके तो आपको क्लास ले रहा हूँ लैपटॉप पे, ठीक है। अब देखें फिर ये आएगा जनाब आपके पास ए स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वेयर एंड होल ओवर 5 माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 15 प्लस 3 होल ओवर 2। तो ये क्या 5 और 3 8, ये भी इस तरह देखें 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाय 2। आप इसे हाँ कॉमन लेके करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वैसे आप कैंसलेशन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे 3 4 2 4s are 2 1s are, आंसर तो जल्दी आ जाता है इससे एक ही स्टेप yes, में। लेकिन ये है कि उसमें फिर बाज बचे क्या करेंगे, इसको जूं ही कैंसिल करेंगे ना ऐसे तो वो समझेंगे ये खत्म हो गया, उसको भूल जाएंगे yes, फिर ठीक है। तो उस चीज yes, से बचने के लिए ख्याल रखना होता है थोड़ा टीचर को कि वो चीज ना आ जाए बीच में। 4 प्लस अंडर रूट 15 बाय 2, तो ये कैंसिल किया तो ये आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15। एक स्टेप फालतू आ रहा है लेकिन उसमें वो बचा वो भूल जाएगा, उसको कैंसिल करना क्योंकि उसे ये कैंसल्ड नजर आएगा, तो इसलिए अदरवाइज या तो ये भी करे तो फिर ठीक है। अब ये देखो वही 4 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ये था एट्थ पार्ट, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा कहाँ गए वो बिलाल, कौन सा बिलाल था, अहमद बिलाल, क्या पूछ रहे थे आप? अहमद बिलाल सईद, हाँ पूछ रहे थे कोई कौन सा पार्ट चाह रहे थे, सही क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे। हाँ चलो बताएं थे सही क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 बाय 3, चलो क्वेश्चन नंबर 1 बाय 3 लिखवाएं, हैं 1 बाय 1 पार्ट 3 पार्ट 3 3 इसी की बात कर रहे थे, हाँ लिखवाएं जरा ये क्वेश्चन, लिखवाओ नीचे अब अंडर रूट 27। अच्छा अब अहमद बिलाल ध्यान रखना है बेटे, अब ये देखें इज इक्वल टू 6 बाय अंडर रूट 8 अंडर रूट 27, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो ये देखो क्या रह गया इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 8 अंडर रूट 27 होल बाय अंडर रूट 8 स्क्वायर इनटू अंडर रूट 27 स्क्वायर। ये देखो अब इसमें कोई चीज टर्म और प्लस नहीं हो रही, अकेला स्क्वायर रूट है तो इसलिए यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ये भी अकेला स्क्वायर रूट है तो यहीं कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 6 अंडर रूट, ये एक ही अंडर रूट के अंडर भी लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ना दो अंडर रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक ही अंडर रूट के अंडर उन्हें लिख सकते हैं, और साथ ही ब्रेक कर देते हैं इसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं, क्या फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 होल बाय 8 × 27 इज इक्वल टू, अंडर रूट हो तो हर पेयर के लिए एक नंबर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 × 2 × 3 अंडर रूट, बाकी ये 2 और 3 अंदर ही रखेंगे, 3 2s are 6 बाय 8 × 27। अब देखें कैंसिल कैसे करेंगे, ठीक है ये देखें 2 3s are 6 4s are 8 2s are 4 2 1s are 2 और क्या जनाब 3 से कर लेते हैं 3 9s are, ठीक है 3 3s are
बस तो ये आ गया आपका आंसर अंडर रूट सिक्स बाय सिक्स। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। और अहमद बिलाल इज इट ओके नाउ? यस सर। अच्छा आप इसके बाद देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में आ जाए जरा। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वाई। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आप उसका जो रेडिकल साइन वाली टर्म है ना उसका साइन चेंज कर दें, बस वो कॉन्जुगेट हो गया। देखें मसलन फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? हाँ बोले सर। जब ये क्लास खत्म हो जाए आप ये क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देंगे? हाँ सेंड कर दूंगा, क्यों, बिल्कुल हाँ ग्रुप में। अच्छा किया याद करवा दिया, वरना ये था कि मैं इसको शाम तक जो है ना अपलोड करके ना उसमें यूट्यूब में अपलोड करके सेंड कर दूंगा। वो इजी होता है कि सिर्फ लिंक होता है, पूरी वीडियो नहीं आती, तो उससे आपके मोबाइल हैंग नहीं होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है सर, चैनल की सर फिर लिंक सेंड कर दें। हाँ उसके हाँ उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा। ओके तो 3 प्लस अंडर रूट 7। तो इसमें देखें इसका जो साइन है वो आपने चेंज कर देना है। क्या है कॉन्जुगेट ऑफ इट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 7। तो ये सारे तो इसी तरह जुबानी जुबानी आप कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस इन ये जितने हमने किए ना इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। अब क्वेश्चन शुरू होंगे जिनमें से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, और वो कौन सा क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये सारा पता चल गया आपको, इन सब में साइन चेंज करेंगे। मसलन इसका पार्ट 2 जुबानी बताएं, 4 माइनस अंडर रूट 5 कॉन्जुगेट बताएं इसका क्या होगा, बोल दें। 4 प्लस अंडर रूट 5। अच्छा पार्ट नंबर 6 देखें, 4 माइनस अंडर रूट 15 कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस अंडर रूट 15। लास्ट पार्ट इसका 9 प्लस अंडर रूट 2 क्या कॉन्जुगेट होगा, 9 माइनस अंडर रूट 2 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये छोड़ें, ये तो वैसे ही उन्होंने दिया था कि जरा जुबान का जायका आप चेंज करें। अभी आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पेपर में हमेशा इस क्वेश्चन नंबर 3 से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इस पे इंपॉर्टेंट लिखते हैं। ये बाकी सब चीजें जितनी भी आपने की है ना ये जुबानी जुबानी होती हैं, यानी एमसीक्यूज में तो आ सकते हैं, बाकी इसका कोई मेन क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू, क्या गिवन है, देखें बताएं जरा, 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 हाँ माइनस अंडर रूट थ्री तो फाइंड क्या करना है? X. हाँ ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1/x हाँ 1/x फाइंड करना है, इतना छोटा नहीं आता वहां, वो वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा जिसमें लिखा होगा फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x² या x क्यूब प्लस 1/x³। तो वो फाइंड करने के लिए ये वाला पहला स्टेप नहीं होंगे आगे, ऐसी बात नहीं है बेटे, अक्सर पेपरों में आते रहते हैं ये, बाद में आएंगे देख लेंगे। अच्छा फाइंड 1/x, तो 1/x फाइंड करना है, तो ये तो ये है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका जनाब 1/x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस अंडर रूट 3। वो देखें अंडर रूट नीचे आ गया, जो ही अंडर रूट नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में आ जाए तो वही पुराना तरीका, इसे मल्टीप्लाई करें साइन चेंज करके और इसी से डिवाइड करें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 होल बाय 4 माइनस 3। तो ये क्या बन गया, 2 प्लस अंडर रूट 3 बाय 1 इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। तो क्या हुआ वो देखो, 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये क्या दिया हुआ है, 2 प्लस अंडर रूट 3,
क्या ख्याल है, ये उसका कॉन्जुगेट है कि नहीं? ठीक है, ये उसका क्या है? कॉन्जुगेट है। हाँ, तो इसका मतलब है जो भी x हो अगर उसका 1/x करेंगे तो हमें उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है। इतनी बात क्लियर होगी? इसे छोड़ें, ये तो इतना वो नहीं है, ना डिफिकल्ट है और ना इसकी कोई इम्पोर्टेंस है। हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि स्टार्टिंग है ना, लेकिन पेपर के हिसाब से क्या है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अब थ्री का सेकंड पार्ट, उसमें क्या फाइंड करना है? उसमें भी सिर्फ 1/x, उसे भी छोड़ दें, वो आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट कर ले। हाँ, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें, हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या दिया है? इफ एक्स इज इक्वल टू, बताएंगे, अंडर रूट 3 + 2। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड x प्लस 1/x। चले जी, तो 1/x क्या होगा? 1/x इज इक्वल टू 1/√3 + 2। तो क्या करेंगे? इसी से √3 + -2/√3 - 2, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मगर साइन चेंज करके। अच्छा, इसका आंसर बताएं क्या आएगा? इज इक्वल टू √3 - 2/√3² - 2². हाँ जी, तो क्या बन जाएगा? √3 - 2/3 - 4। तो आपके पास ये क्या आ गया? इज इक्वल टू √3 - 2/-1। अब इसमें देखें, 1/x का तो मतलब होता है कि उसका कॉन्जुगेट आना चाहिए, और कॉन्जुगेट का मतलब है कि अंडर रूट वाली टर्म के साथ साइन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाले साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है कि आप इसे यूं लिखेंगे, -√3 + 2। ये माइनस ऊपर दोनों साइन क्या कर देगा? डिवाइड करके चेंज कर देगा। तो अब इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनाए? 2 - √3। तो अब देखें, ऊपर जो x दिया था उसका कॉन्जुगेट हमें पता चल गया। अब कॉन्जुगेट पता चल गया, अब हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x। इसका मतलब है आप ये काम जुबानी भी कर सकते हैं कि अगर x जो भी ये दिया है उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें, इतना ज्यादा प्रोसेस ना करें। आपको पता है कि इसका कॉन्जुगेट ही आना है, तो आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। अब देखें जी, हम x प्लस 1/x फाइंड करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, x प्लस 1/x, x की क्या वैल्यू है? √3 + 2 प्लस 1/x की क्या वैल्यू आई थी? -√3 + 2। क्या ख्याल है? यही है ना? ऑल राइट। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यू लिखते होते हैं 2 - √3, लेकिन आप यूं भी लिख सकते हैं। अब इसे जरा ओपन करें तो क्या हो गया? √3 + 2 - √3 + 2। ये देखें, √3 लाइक टर्म्स हैविंग ऑपोजिट साइंस कैंसल्ड, तो वी गॉट 4। इसका मतलब है, अब देखें यहां से आगे आपको बताता हूं, बेशक इसने क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन आपको आना चाहिए। इसका मतलब है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो हम अब क्या करते हैं, हम ये फाइंड करेंगे x² + 1/x². क्या करें? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आप देखें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वेयरिंग करें तो क्या आ जाएगा? इसको a + b² का फार्मूला बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बताएं जरा क्या बनेगा? x² + 1/x² + 2 × a × b इज इक्वल टू 4² क्या हो जाएगा? 16। ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू 16। 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो क्या होगा? इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। हाँ, माइनस करेंगे। तो ये देखें, x² + 1/x² इज इक्वल टू 16 - 2, तो ये आ गया 14। x² + 1/x² इज इक्वल टू 14। ये बात क्लियर हो गई? समझ आ गई बात? मेथड आपको आना चाहिए,
यानी x प्लस वन बाय एक्स, एक्स जब भी दिया हो वन बाय एक्स क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट होता है, उन दोनों को एड करें तो हमेशा रेडिकल साइंस कट हो जाते हैं, हमें सिर्फ एक रियल नंबर मिल जाता है। ये नंबर मिल गया तो हमने लिखा x प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू फोर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया और इसको सॉल्व कर लिया। ओके ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं पूछता हूं कि जनाब एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करें, फिर क्या करेंगे इसी के ऊपर, इस पे काम तो नहीं कर सकते, फिर आप क्या फाइंड करेंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स, तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स फोर है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स जो भी आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा थिंक ओवर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिसे ये पता है एक्स क्या है तो उसे क्या कुछ फाइंड करना आता है, ये देखें सिर्फ एक्स की वैल्यू अगर वो दे तो आप क्या कुछ फाइंड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, ये सारे क्वेश्चन जो है ठीक है, इस एक एक्स को दे के अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं, ये वाले आते हैं और या ये वाला भी आते हैं एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर। चलो जी फाइंड करें, समझ आ गई बात, तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ यहां से इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है, क्यों बच्चे ने खुद से जेन लगाना है कि यार एक्स प्लस वन ओवर एक्स तो मुझे आता है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है तो वो आपको पता है ये अंडर रूट थ्री प्लस टू और माइनस, क्या करेंगे माइनस अंडर रूट थ्री प्लस टू, कॉन्जुगेट उसका लिख के ना तो ओपन कर दें तो क्या बनेगा अंडर रूट थ्री प्लस टू माइनस माइनस प्लस अंडर रूट थ्री और ये माइनस टू कैंसल्ड, आपके पास आ गया टू अंडर रूट थ्री। तो अब ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ठीक है तो क्या पता चलेगा हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है, वो फोर निकाली थी हमने, इंटू अभी इसकी क्या आई वैल्यू टू अंडर रूट थ्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा फोर टू जार एट अंडर रूट थ्री, ठीक है हाँ जी। जी सर हेलो जी एक क्लास ले रहा हूँ सर, 12 बस खत्म होने वाली है, हो गई ये खत्म, ये मैं बाद में आपसे बात करता हूँ सर, ठीक है सर थैंक यू। अच्छा जी ऑल राइट, हाँ जी ठीक है फिर तो आपने क्या करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको इसके वो जो है ना सॉल्व एक्सरसाइज वो भी सेंड कर दूंगा। ओके अभी आप लीव कर सकते हैं, बाकी सब भी लीव कर गए हैं, मेरा ख्याल है जुम्मे की नमाज है ना आज, जुम्मे की नमाज की वजह से जल्दी करना पड़ेगा काम। ओके ऑल राइट थैंक यू वेरी मच।